hello students today we are going to study chapter number 4 for class 6th in supplementary reader the old clock shop uh, children this is a story about a person who was needed the sum of money in exchange of old clock and a shopkeeper whose name was ray uh, he was very gentle person and uh, though he accepted, uh, though he did not need of any type of that man's worthless old watch, but uh, when he realized that uh, in his need, he actually needed that money, that sum of money in exchange of that old watch, then he helped them. and uh, at last he accepted. His old watch and uh, <coughs> bought it. So this is the story about an old man whose name was rap Ray, and uh, he running a old clock shop. So let me start with this chapter. It's a Christmas Eve and closing time for shops. Ray's old clock shop is still open. ये बच्चों क्रिसमस की इवनिंग का टाइम है और इस समय रात को रात काफ़ी हो चुकी थी तो शॉप को बंद करने का टाइम था रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन रे नाम के बूढ़े व्यक्ति की ये रे है इसकी जो ओल्ड बहुत पुरानी घड़ियों की दुकान होती है ये लगभग खुली रहती है उस समय टू शॉपर्स दो शॉपर्स आते हैं दो शॉपर्स का मतलब हुआ कि टू कस्टमर्स आते हैं और वो काफी लेट आवर्स में आते हैं तो अब वो किस तरीके से उन्हें क्या करना है ये सब आगे देखेंगे क्रिसमस ईव क्रिसमस की इवनिंग आने वाली है मतलब क्रिसमस की सुबह आने वाली है और लास्ट मिनट्स पर शॉपर्स जो है वो देर गोइंग होम और सभी लोग चले गए अपने अपने घरों पर और क्योंकि शाम हो गई है ट्वेंटी फाइव कि 24 दिसंबर की रात का टाइम है और जब जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही क्रिसमस इवनिंग स्टार्ट हो जाएगी सभी लोग अपने घर जा चुके हैं शॉपिंग कर करके और एक थी वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक और सॉल्ट लेक सिटी यूएसए का टाइम बताया गया है कि सॉल्ट लेक के ऊपर पूरा बर्फ की चादर ढकी हुई है मोटी सी और इस समय फिर भी रात बहुत हो चुकी है येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे और रे की जो शॉप है उस पर अभी भी जो है वहाँ से लाइट के जलने की लाइट जल रही है और उसमें से हल्की सी बीम बाहर आ रही है रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे और रे जो कि बहरा और बहरा व्यक्ति है और ये जो है इसकी शॉप होती है अपनी और वो उस क्लॉक में अभी तक काम कर रहा है और उस पूरे दिन की खरीदारी का हिसाब लगा रहा है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क जैसे ही वो अपना वर्क फिनिश करता है तो रेस टू डप एंड वॉस ऑन हिज वे द बैक रूम वेर आर कोल्ड रश ऑफ एयर फ्राम द फ्रंट टोर हिट द बैक ऑफ हिज नैक जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है और एक वहाँ से काउंटर को खड़ा काउंटर से उठ जाता है वैसे वो पीछे साइड में देखता है कि बड़ी तेजी से ठंडी हवा उसके गर्दन तक टच करते हुए जा रही है और लास्ट में जो है लास्ट मिनट शॉपर जैसे वो घूमता देखता है कि आखिरी समय है और उस समय कोई एक शॉपर आ गए हैं और वो शॉपर जो है वो बाहर की तरफ खड़े हुए हैं वो देखता है दो लोग हैं और दो लोग जो है इसमें से एक ट्वेंटी इयर्स के लगभग है और थोड़ा उससे बूढ़ा सा है फिफ्टी किलो फिफ्टी के अराउंड वो आगे की तरफ आता है और उसके बाद में जो रे है वो बड़ी फ्रेंड लाइनेस तरीके से अपनी आंखों में एक दोस्ती की भावना लेकर के पहले तो वो डरता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति है, उसकी तरफ दोस्ताना भरी से देखता है पहले तो सोचता है कि ये पता नहीं कैसा है क्योंकि इसकी आंखों में मुझे कोई दोस्ती नजर नहीं आती लेकिन फिर बाद में वो पहले डर जाता है अरे कि और वो सोचता है कि अपना नोट एक छोटा सा उनका जो कंप्यूटर टाइप का होता है नोट पैड उसको पुश करता है अंदर की तरफ डालता है और एक पेंसिल होती है उसके काउंटर के अराउंड उसको भी अंदर की तरफ डालता है मतलब कि सोचता है मैं बंद कर दूंगा शॉप लेकिन जो उसकी अनफ्रेंडली फेस होता है उसको देख करके वो पहले मुस्कुराता है अरे उसके बाद में उसको पॉइंट आउट करता है और फिर देखता है कि ये आदमी कौन है अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैं स्टडीड द नोट पैड और फिर जैसे ही वो देखता है कि ए, उसके नोट पैड को जो है वो आदमी पढ़ लेता है जो फिफ्टी ईयर्स का अंदर आता है एंटर करता है और उसके बाद उसने रे ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए तो अचानक से क्या होता है कि रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट तो कभी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति लूट मार के इरादे से आया हो और वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल रहा है बार बार एंगर बॉयल्ड विद इन हिम तो रे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आदमी कौन है बट इट वॉज कैप डाउन है वाई एन इनर वॉयस डेट सेट लेकिन उसके अंदर की अंतरात्मा कहती कि नहीं रुक जाओ अभी कोई बात मत करो वो नो नोट पैड पर कुछ लिखता है मे आई हेल्प यू तभी फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे तभी वो ओल्डर मैन जो है उसको रे को पहली बार देखता है उसकी तरफ स्माइल करता है अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल उसकी स्माइल बड़ी कठिन भरी होती है बड़ी ही चालाकी भरी होती है दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर दोनों ही सोचते हैं कि चलो एक क्यों आया होगा uh, फिर वो फ्रेंडशिप तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं तो दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन their लक एंड वर ना रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट तब ब्रेक और रियलाइज होता है कि वो आदमी जो आया है वो कहीं ना कहीं अपना लक ट्राई करने आया है क्योंकि वो उस समय परेशानी में है अब रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड अब रे को समझ में आता है कि वो आदमी जो है वाकई एक नीड में है एक उसको बहुत ज़रूरत है पैसों की और उसके बदले में वो क्या करता है उसकी ओल्ड क्लॉक वॉच होती है वो ले लेता है और उसको कुछ पैसे दे देता है और इस समय ये बताएंगे हम आगे कि इस समय मेरी क्रिसमस सब जगह गूंजे गूंजने लगेगा जबकि हर जगह पीस होगी गुडविल होगी कैसे द क्लॉक टाइड ऑन तभी क्लॉक्स में टिक डू, टिक टिकोने लग जाता है सभी क्लॉक टिक 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 करके आवाज करने लग जाती हैं रे कालमरी रोड अनदर मैसेज रे मैसेज भी लिखता है हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच क्या आप कोई क्लॉक या वॉच देखने आए मेरी दुकान में देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स उसके बाद में वो लोन बोर्ड्स की तरफ देखता है जहां पर कई सारी क्लॉक्स हैंग कर रही होती हैं एंड पॉकेट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को दिखाता है उस आदमी को ई वो नॉट अ पॉन ब्रोकर और वो कहता है कि मैं कोई पॉन ब्रोकर नहीं हूँ पौन ब्रोकर का मतलब हुआ कि जो अप मैन हु लेंड एनी थिंग ऑन बिहाफ ऑफ मनी और हु गिवेन एनी थिंग ऑन बिहाफ ऑफ मनी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी चीज़ें uh, गिरवी रखने के लिए आया हो तो वो कहता है अरे कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कोई साहूकार नहीं हूँ जो कि आपकी चीज़ों को गिरवी रखूंगा बट एट द सेम टाइम से नो लेकिन वो कहता है जो फिफ्टी ईयर्स का व्यक्ति है वो कहता है कि प्लीज इससे मैं ना मत कहिएगा मैं बहुत दिक्कत में हूँ मैं नीडी पीपल हूँ और मैं अपने पास मेरे पास एक घड़ी है पुरानी उसको मैं यहाँ बेचने आया हूँ आपको और मुझे उसके बदले में एक लोन चाहिए दे वुड बी देयर वैन द ओनर्स वॉन्टेड दम बैग एज द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट वो कहता है कि कोई बात नहीं आप कैसे भी करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए इसके बदले में मुझे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं चाहिए तभी रे उसको नोटिस करता है और उसकी आंखों में एक थोड़ी सी शर्म और हया होती है कि वो सोचता है कि अरे मैं क्या करूँ मुझे बहुत नीड है इस समय तभी रे क्या करता है उसकी हेल्प करता है और वो पूछता है उससे कि आपको कितने पैसे चाहिए इसके बदले में तो वो व्यक्ति कहता है फिफ्टी इयर्स वाला कि कुछ भी दे दीजिए जो आपके पास इसके इस जो ये ओल्ड वॉच है इसके एवरेज में मतलब इसके अभी हाफ में आती हो तो रे कहता है ठीक है और रे अपने कैश बॉक्स से फिफ्टी डॉलर्स का एक नोट निकालता है और उस व्यक्ति को दे देता है और कहता है मैं आपकी जो स्मॉल पॉकेट जो आप वो जो अपने पास से स्मॉल पॉकेट वॉच निकालता है उसके बदले में ये जो रे है ये इसको फिफ्टी डॉलर दे देता है और इसकी हेल्प कर देता है कि यह नीडी पर्सन है इस समय और इसी समय जो दोनों लोग फिर एक हाँ, दूसरे से हाथ मिलाते हैं ये थैंक यू बोलता है इसको और उसके बारे में उसके बाद आता है कि दे बोथ न्यू द वॉच वॉज एंड वर्थ दोनों ही जानते थे कि वो जो, जो पुरानी घड़ी है वो किसी काम की नहीं है लेकिन उसके बदले में रे उसको फिफ्टी डॉलर से देता दे ताकि उसकी हेल्प हो जाए और उसी समय वो वहाँ से चला जाता है और ये जो स्टोरी इसके बाद एंड होती है कि आधे घंटे बाद लगभग जो है सारी क्लॉक्स जो है बजने लग जाती हैं एक साथ और टाइम पीसेज में सब जगह घंटी बजने लग जाती है और पता लग जाता है सभी को कि बारह बज चुके हैं और एक म्यूजिकल मैसेज पूरे वर्ल्ड में एक होप के साथ सभी लोगों को सुनाई पड़ता है कि टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ कि ये इस समय का मैसेज है कि हर जगह खुशहाली होनी चाहिए शांति होनी चाहिए और जो लोग अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है और इस तरीके से कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो फिर से इस कहानी का ये मोरल है कि आप किसी के साथ भी बुरा मत कीजिए यू ऑलवेज़ डू गुड विद अदर्स इफ़ यू विल डू गुड अदर्स देन ऑलवेज बी गुड बाय अदर्स टू यू ओके तो इसी के साथ ये अच्छी स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है तब तो तक के लिए Till then my next video. Goodbye and take care. And please like and share my videos.